कांग्रेस के सीनियर नेता सुबोध कांत सहाय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र खिलाफ विवादित टिप्पणी बोल के विवाद छेड़ दिता है। सहाय ने टिप्पणी करदिया कहा कि जेकर प्रधानमंत्री मोदी हिटलर के नक्शे कदमे ते चलनगे ता हिटलर दी मौत मरणगे। हालांकि कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय दी टिप्पणी तो किनारा करदिया कहा कि ओ मोदी सरकार दियां लोक विरोधी नीतियां खिलाफ लड़दी रहेगी पर प्रधानमंत्री खिलाफ टिप्पणी नाल सहमत नहीं है। सहाय ने फौज विच भारती संबंधी अग्निपथ योजना अते राहुल गांधी कोलों ईडी वालों कीती जा रही पूछ पड़ताल खिलाफ जंतर मंतर ते कांग्रेस दे सत्याग्रह अंदोलन दौरान ए टिप्पणी कीती। साबका केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही मोदी दी अख विच अख पा के गल कर सकते हैं पर मोदी उन्हां नूं डराउणा चाहुंदे हन। सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं तानाशाही करार दिता। भाजपा हमारी दो दो चुनी तीन तीन चरण चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया। मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। बूढ़ा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है, इतना लंबा कतार है शहीदों का। प्लीज सब्सक्राइब प्रवासी टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।